वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन, जिसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर और कुछ गरम मसाले और कुछ मसालों का पेस्ट। मसालों की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दही चाहिए होगी। अब हम कुकर में ऑयल गर्म करेंगे 1 मिनट के लिए। ऑयल को हम 1 मिनट तक गर्म होने देंगे और इसमें खड़े गर्म मसाले डालेंगे। जब आपका गर्म मसाला थोड़ा चटक जाए तो उसमें अब हम कटे हुए प्याज डालेंगे और कटे हुए प्याज को ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और पिसा हुआ मसाला। सबसे पहले इसमें हम अदरक, लहसुन और जीरा का पेस्ट डाल रहे थे, वो थोड़ा भुन जाए तो उसके बाद हम इसमें नारियल का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा जले ना। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से पक जाए तो उसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, जिसको अच्छे से धो के मैंने रख दिया था। अब मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से, इसमें हम दही डालेंगे। दही को पहले फेंट लें अच्छे से। दही हमारा फेंट चुका है, इसको हम मसालों में डाल देंगे और इसे रेगुलर चलाते रहेंगे, वरना ये फट जाएगा दही। अब देखिए हमारे मसालों से तेल बाहर निकलने लगा है। इसमें हम गोश्त डाल देंगे और गोश्त को मैंने डाल के 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुना है। ये देखिए हमारा गोश्त कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल मसालों में एकदम बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने 1.5 किलो गोश्त में 2 चम्मच नमक डाला है। मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालकर मैंने अच्छे से गोश्त को मिक्स कर लिया था। अब इसमें थोड़ा कटे हुए धनिया पत्ते डाल देंगे, जो हमने पहले काट के रखा था। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये देखिए पानी डालने के बाद ये कैसा दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा हम बॉईल आने देंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए तो हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए ये हमारा गोश्त पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये बिल्कुल तेल बाहर आ गया, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो अब भी इसमें थोड़ा पानी डाल के ढीला कर सकते हैं, पर हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए था। हमारा मटन पक के तैयार हो गया। इसे हमने धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है। ये देखिए हमारा रोगन जोश बन के बिल्कुल तैयार है, कितना यम्मी दिख रहा है।